हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतो की इजी रेसिपीज में। तो आज हम लेकर आए हैं मलाई कोफ्ता। तो मैंने किस तरह से बनाया है, मैंने बहुत कम समय में, बहुत कम सामानों में मैंने बनाया है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं कट करके, यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिए हैं, 6 लहसुन की कलियाँ लिए हैं और 4 मीडियम प्याज लिए हैं, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। 3 टुकड़ा यहाँ पे अदरक का लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया है। तो चलिए पहले मसाले को हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस जला लूँगी, इसके बाद कढ़ाई रख दूँगी, फिर इसमें हम डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, इसके बाद डालेंगे हम जीरा आधा चम्मच, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 2-3 दालचीनी डालेंगे, 5-6 लौंग इलायची डाल देंगे मिक्स। इसके बाद ये जो प्याज कटा है ये मैं डाल दूँगी, प्याज को मैंने स्लाइस में कटा है, और इसके बाद ये लहसुन डाल दूँगी, ये अदरक डाल दूँगी और 4 हरी मिर्च डाल दूँगी, और इसके बाद इसको हमें थोड़ा सा बस सॉटे करके, इसके बाद हमें डाल देना है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है। अब इसके बाद ये 6-7 पीसेस जो है काजू के हम डाल देंगे, अगर काजू नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने मीडियम आंच पे मसाले को पका लिया है, और इसको हमें ठंडा करके ग्राइंड करना है। तो मसाला जब तक मेरा इधर रेडी हो रहा है, तो चलिए मैं सामान तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम आलू लिए हैं बॉयल, और इसको मैंने छील लिया है, और इसको हमें कद्दूकस करना है। तो आलू को मैंने 1 घंटा पहले ही बॉयल करके इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि आलू थोड़ा टाइट हो जाए, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग हो ना वो गीला ना हो, तो बढ़िया बाइंडिंग बने। तो यहाँ पे मैंने आलू को ऐसे सारे कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया पनीर, पनीर आधा किलो के करीब होगा, तो बस पनीर को भी इसी आलू में हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने आलू और पनीर को एक साथ कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस कर लेना है क्योंकि ये बाइंडिंग जो है अच्छे से बने, क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो बस इसके बाद हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सौंफ। सौंफ आप स्किप कर सकते हो, लेकिन सौंफ डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। बस इसको हमें आटा बना लेना है, और हाँ इसमें हमें मैदा डाल देना है 2 चम्मच। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। इसको हम मैदा डालने से क्या होता है, इसकी बाइंडिंग अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है, और अभी मुझे और ज़रूरत पड़ेगी मैदे की, तो मैं और लूँगी, क्योंकि इसको अच्छे से एक आटे की तरह गूँथ लेना है, और बिल्कुल गीला ना रहे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गीला लगे तो इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल के गूँथ लो। तो मैंने यहाँ पे देखिए गूंथ लिया है। अब इसके हम बना लेंगे है बॉल्स बढ़िया से। तो ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल टाइट आटा गूंथ गया है। और यहाँ पे मैं रोल बना लेती हूँ। तो आप इसको जो है अंडे आकार में या गोल बॉल की तरह ऐसे बना सकते हैं, आप किसी भी आकार में बना लें। बस इसको ऐसे सारे बना लेना है बॉल्स। तो ये देखिए सारे बॉल्स बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक सारे बॉल्स हम बना रहे थे, यहाँ पे हम तेल रख दिए थे गरम होने के लिए। तो तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है, और इसको हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बाहर से जो है अच्छे हो जाएंगे, अंदर से कच्चे हो जाएंगे, बाहर से क्रिस्पी लगेंगे, अंदर से कच्चे लगेंगे। तो ये देखिए मैंने मीडियम आंच पे मैंने इसको धीरे धीरे स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेक लिया है। तो ये देखिए इसको हम पलट देंगे। तो बस हमें मीडियम आंच पे ही इसको पकाना है, और ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, बहुत जल्दी ये टूटने लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए सारे बॉल्स मैंने निकाल लिए हैं।
यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मसाला भी मेरा इधर ठंडा हो गया है तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिए अगर बिना पानी के पिस जाए तो मैंने यहाँ पे बिना पानी के जो है ग्राइंड कर लिया है प्याज और टमाटर को। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पनीर अपने लिए बचा लिया था, पकौड़ियाँ खाने का मन था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़े मसाले डाल के इसको हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और बाकी सारे बेसिक वाले मसाले, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। जो चिली पनीर बनती है ऐसे ही बनती है, उसको मतलब फ्राई करके उसके बाद सॉस वॉस डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी क्योंकि ये है पनीर पकौड़ी, बच्चों का खाने का मन था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं पनीर पकौड़ी बना देती हूँ। तो बस इसको भी मैंने कोट करके इसको तेल में फ्राई कर लिया है। तो गाइस चिली पनीर भी ऐसे ही बनता है, बस उसमें सोया सॉस, ग्रीन सॉस यही सब लगता है और वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं किसी दिन ये रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी तो मैंने फ़िलहाल बस पकौड़ियाँ बनाई हैं सिर्फ खाने के लिए। इसके बाद हम कढ़ाई अब दूसरा लेंगे, इसमें हम तेल डालेंगे और हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है, तेल में ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था वो मैंने डाल देना है। मसाले को डालने के बाद इसमें हम ऊपर से सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और यहाँ पे डालेंगे देगी मिर्च आधा चम्मच और इसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे। हाँ गाइस, इसमें हम चाट मसाला भी डाले हैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया था मेरा तो इसमें चाट मसाला भी डाल दिए हैं। तो बस इसको हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, ग्रेवी तो पहले से ही पकी हुई है, बस मसाले को ही थोड़ा सा पकाना होता है। तो यहाँ पे बस मैं हिसाब से पानी डाल दूँगी। तो इसको बहुत पतला नहीं करना है गाइस, इसको बहुत ठीक करना है तभी ये खाने में भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि पनीर की सब्ज़ी एक बार को पतला चल जाएगा लेकिन जो मलाई कोफ्ता हम बना रहे हैं उसको गाढ़ा ही रखना है, गाढ़ा ही अच्छा लगता है। आप उसको पराठा पूड़ी से खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 मिनट तक इसको ढक के पका लिया था और मसाला देखिए मेरा ग्रेवी जो है एकदम गाढ़ी गाढ़ी है। तो इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, तब इसके बाद हम पकौड़ियों में डालेंगे, नहीं तो ये गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकौड़ियों को अलग से, कोफ्ते को अलग से लगा दिया है। इसके बाद हम ऊपर से ग्रेवी सर्व कर देंगे। तो आप इस तरह से बनाना, आप डायरेक्ट ग्रेवी में कोफ्ते मत डालना नहीं तो उससे टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा मलाई कोफ्ता बन के रेडी हो गया है, मैंने बटर रख दिया है। आप चाहे तो इसमें मलाई डाल सकते हैं, थोड़ा सा मलाई घर का हो तो घोल के इसमें डाल सकते हैं, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मलाई कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और गाइस ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने देखिए कितने झटपट से बनाया है और जो मेरे पास सामान अवेलेबल था वही मैंने सामानों से बनाया है। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some